गाजा पट्टी के नबलस में इजरायली सेना का ऑपरेशन चलाया गया, जहां नबलस सिटी में हमास आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। इजरायली सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जहां इजरायली सेना के ऑपरेशन से जुड़ा वीडियो भी सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए, नबलस गाजा पट्टी का ये शहर है, जहां पर आप देखिए कि कैसे जमीन पर उतर कर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो जवान है वो हमास के आतंकियों को ढूंढ रहे, चुन चुन कर घरों के अंदर इनकी तलाशी दी जा रही है। और ये ग्राउंड पर चलाया जा रहा एक बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आतंकियों को, उनके कमांडर्स को ढूंढा जा रहा है। और यहां पर हो सकता है कि जल्दी गुरिल्ला वॉर भी शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसी जब स्थिति बनती है जंग के मैदान में तो गुरिल्ला वॉर की भी स्थिति रहती है, क्योंकि आतंकी भी या हमला करने वाला देश भी अपनी तैयारियों के साथ वहां पर मौजूद रहता है। तो आप समझिए कि कैसे इस वक्त जो है जमीन पर उतर कर ऑपरेशन इसराइल के जवान चला रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इसराइल का एक्शन किन किन इलाकों में चल रहा है। नबला सिटी का हमने आपको तस्वीरें दिखा दी, अब मैं आपको जो तस्वीर बताने जा रहा हूं ये मैप है, और इस मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि कहां कहां इसराइल का एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, इसराइल ने सबसे पहले अपने इस क्षेत्र में, यानी कि ऊपरी क्षेत्र में, हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक किया, जो कि लेबनान का बॉर्डर पड़ता है, क्योंकि बताया जा रहा है यहां से मिसाइलें दागी जा रही थी। अब ये गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं। देखिए, गाजा में नॉर्थ गाजा, जहां पर टैंकों ने घेराबंदी कर दी है, ग्राउंड एक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये वेस्ट बैंक का इलाका, वेस्ट बैंक जॉर्डन की तरफ लगता हुआ है, यहां पर जैनिन सिलवाड़ के क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की गई और हमास को जो मदद भेजी जा रही थी वेस्ट बैंक से, उसे रोक दिया गया। इसके अलावा गाजा सिटी की बात करते हैं, तो गाजा सिटी पर बताया जा रहा है कि कई आतंकियों ने एक साथ ठिकाने बनाए थे, और इन ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक करते हुए उन ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया। बताया जा रहा है कि कई आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। इधर इजरायली नागरिकों ने